आपने देखा होगा बिजली का तार, बिजली ऑफिस में अगर आप आवेदन दें तो ये लोग आपको तोड़ तार जोड़ देंगे, आपके घर में बिजली आ जाएगी। और एक होता है हुकिंग, लोग तार में हुक लगा करके ऊपर फेंक करके वहां से बिजली ले लेते हैं। अब चाहे आप जायज तरीके से लें या नाजायज तरीके से लें, तार से अगर आप जुड़ गए तो बिजली तो आपको मिलेगी। उद्देश्य है संसार के सब कुछ को छोड़ करके भगवान में मन लगाना। हम लोग भक्त ध्रुव की कहानी जानते हैं, भक्त ध्रुव भागवत में ही उनकी कथा आती है, तो अन्य जगह भी आती है। उन्हें राज्य पाने की इच्छा थी, लेकिन देखिए कितने बड़े भक्त बन गए। वही प्रहलाद विष्णु को अपना मानते थे, तो हम लोग तो अंतर नहीं कर सकते हैं कि ध्रुव और प्रहलाद दोनों में अंतर क्या है भक्ति में। उद्देश्य है इन लीला का कि किसी तरह से हम लोग वहां तक पहुंच जाएं, और दूसरा संपर्क चाहे जिस प्रकार हो संपर्क होना चाहिए। और सुखदेव कहते हैं परीक्षित को, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो भक्त हैं, आपको यह समझ में आनी चाहिए कि भगवान के साथ नाता चाहे जिस प्रकार का हो फल तो वही मिलेगा। चीनी की रोटी जान करके खाएं अनजाने में खाएं, और रोटी तो आपको मीठी लगेगी। नहीं, बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं बात को समझाने के लिए, लेकिन इनका जो कथन है ये हम लोगों के लिए स्पष्ट है। समस्या हम लोगों के साथ जो है, मेरे साथ, आपके साथ, और जो लोग नहीं सुन रहे उनके साथ, भगवान हम लोगों के लिए एक शब्द मात्र है। और चूंकि भगवान शब्द मात्र है, हम लोग इसलिए देखेंगे ये जो प्रचलित कहानियां हैं, उपन्यास हैं, सिनेमा है, ये सब जो है इसमें हिंदू लोगों को जब दिखाया जाता है, इस प्रकार दिखाया जाता है जैसे आप मंदिर जाते हैं तो कहते हैं कि भगवान के दरबार में जा रहे हैं, जैसे राजा के दरबार में जाते हैं और राजा से जिसे याचना करते हैं कि राजा जी मेरा ये काम हो जाए, उसी प्रकार भगवान से याचना करते और भगवान ऐसा करेंगे। ये सब नहीं होता है, याचना आप कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, किसी मंदिर में अगर जाते हैं तो चूंकि बहुत सारे भक्त वहां गए हुए हैं तो वहां की तन्मात्रा, वहां का भाव बहुत शक्तिशाली होता है। घर में बैठ करके अगर आप ध्यान करें तो ध्यान उतना नहीं जमेगा, पूजा अगर करें, पाठ अगर करें तो उतना नहीं जमेगा, लेकिन मंदिर में जाकर अगर करें तो जमेगा। लेकिन यह भाव कि यह भगवान का दरबार है, यहां आकर के मांगो तो मिलेगा, यह सही वर्णन नहीं है। मांगने के लिए ही सही भगवान से जुड़ तो आप सकते हैं, लेकिन उद्देश्य अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं, उद्देश्य है भगवान से जुड़ना।